नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस बात की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि भाई गोल्ड में क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए या गोल्ड में हमने पहले क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। और गोल्ड एक बहुत अच्छी एसेट क्लास के रूप में हमारे सामने आ जाती है। जनरली जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को देखते हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में पैसा लगाते हैं, उनके जो मेन एम्स हैं वो ये हैं कि भाई एक तो अप्रिसिएशन उनको मिलता है कि गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं तो उनका पैसा भी बढ़ता है, दूसरा उनको लगता है कि भाई एक सेफ असेट है और लिक्विड इतनी ज़्यादा है कि आप कभी भी कहीं भी गोल्ड को सेल कर सकते हैं, तीसरा उनको ऐसा लगता है कि भाई गोल्ड ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में किसी भी बच्चे की शादी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए हमें चाहिए होता है, तो हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि गोल्ड का प्राइस क्या होगा और हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी वजहों से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके फ्रेंड्स मौजूद हो गए हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी तरीका वो अच्छा है या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी उस तरीके से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो मैं एक एक करके आपको जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड में इंडिया में इन्वेस्ट होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। लोग सबसे ज़्यादा ज्वेलरी खरीदते हैं, वो सोचते हैं कि भाई एक तो हम पहन लेंगे, दूसरा ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कभी फ्यूचर में बेचना पड़ा तो हम उसको सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं ज्वेलरी की बात करता हूँ तो ज्वेलरी में दो तीन फायदे और दो तीन कमियाँ हैं ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ। सबसे पहला जो फायदा है उसका ये है कि भाई हम उस गोल्ड को फिजिकली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो अदर फॉर्मेट्स ऑफ गोल्ड है उसको आप फिजिकली नहीं पहन सकते। जैसे आपने पेपर गोल्ड लिया तो आप गले में उसकी माला बना नहीं सकते, तो जब ज्वेलरी होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे, आपकी मदर, फादर, डॉटर सब यूज़ कर सकते हैं, रिंग्स, ईयर रिंग्स, वॉट एवर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दूसरों को पता लगता है कि हाँ आपके पास गोल्ड है और आपके पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं। दूसरा, गोल्ड ज्वेलरी के लिए आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, और आपके पास ऐसा पैसा जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं उसकी भी आप ज्वेलरी बनवा के आप रख सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं है, एंड वी आर हैविंग दैट मनी विद अस। बाकी गोल्ड ज्वेलरी के नुकसान ये हैं दोस्तों कि एक तो जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो प्योर गोल्ड नहीं होता कभी भी, तो आपको हमेशा 10-20-25% की चोट गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में लगती ही लगती है। यानी कि अगर आपको रीसेल करना पड़ा उस गोल्ड को, तो जितने पैसे में जिस भाव से आपने खरीदा होगा उतने पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे, उस अनुपात में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 10-20% उसमें कट होना ही होना है। जो बनाई चार्जेस हैं, गोल्ड की इंप्योरिटी चार्जेस हैं, तो ये सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। दूसरा, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको हमेशा एक रिस्क होता है, रिस्क ऑफ गेटिंग इट स्टोलन। कोई भी आदमी चुरा सकता है, कोई भी आदमी छीन सकता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं आपसे कोई लूट सकता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है ज्वेलरी में, जो हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं। तीसरा, जो जो ज्वेलरी होती है उसके साथ कई स्टोन्स आते हैं जिनका कोई भाव ही नहीं होता, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा उसमें नुकसान होने के चांसेस होते हैं। चौथा, जिस ज्वेलर से आप गोल्ड की ज्वेलरी लेते हैं उसके अलावा अगर किसी और ज्वेलर के पास गए तो आपकी कटिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये रहा फिजिकल गोल्ड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिकल गोल्ड में भी ज्वेलरी। दूसरा फिजिकल गोल्ड का पार्ट है कि हम गोल्ड के बिस्किट्स या गोल्ड के कॉइन्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, जो गोल्ड के बिस्किट होते हैं जैसे MMTC वगैरह सेल करता है, या गोल्ड कॉइन्स है जो आजकल बैंकर्स भी सेल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है फिजिकल गोल्ड को कलेक्ट करने का। लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो फिजिकल गोल्ड के साथ प्रॉब्लम है, यानी कि वो चुराया जा सकता है, वो छीना जा सकता है, उसको आप खो सकते हैं, वो सारे इश्यूज आपको आएंगे। दूसरा, जब आप गोल्ड को खरीदते हैं बिस्किट की फॉर्म में या कॉइन की फॉर्म में, तो उसका एक सर्टिफिकेशन कॉस्ट होता है जो 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक हो सकता है, तो वो पर कॉइन आपको वो पे करना पड़ता है, तो वो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट बन जाती है। सो ये एक दूसरा जो हमारा फिजिकल गोल्ड का फॉर्म था उसमें ये नुकसान आपको हो सकता है। अदरवाइज जब आप इसे सेल करने जाते हैं तो आपको गोल्ड की पूरी कीमत मिलती है, ये बड़ा एश्योरेंस है। तो जो आदमी फिजिकल गोल्ड लेना चाहता है और उसको यूज़ ना करके सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए चाहता है, तो फिर गोल्ड कॉइन बेहतर तरीका होगा ज्वेलरी से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डिजिटल गोल्ड।
जब हम डिजिटल गोल्ड की या पेपर गोल्ड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक जो पहला ऑप्शन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज गोल्ड ईटीएफ। बहुत सारी कंपनीज के गोल्ड ईटीएफ हैं, उनकी एक्सपेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है, और उनका डायरेक्ट रिलेशन गोल्ड के रेट से होता है। तो जब आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसकी मान लो मार्केट में एक गोल्ड ईटीएफ का प्राइस 3,850 है, तो आप 3,850 की एक यूनिट खरीद सकते हैं, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो पर यूनिट उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और फ्यूचर में कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी हाईली लिक्विड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स में। कई बार क्या होता है कि आपको आपके पास 3,850 रुपये कम से कम होने चाहिए अगर आपको गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट खरीदनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में अगर आपको 500 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, 200 रुपये भी इन्वेस्ट करने हैं, और गोल्ड आपको कलेक्ट करना है अगले 10 सालों में अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, या बीच में आपको कभी भी 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000, 10,000, 1,00,000 निकालने हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी लिक्विड असेट्स। उसमें क्या आप SIP कर सकते हैं, आप लमसम भी डाल सकते हैं, आप कितने भी फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड फंड गोल्ड के रेट्स के हिसाब से वो आपकी वैल्यू उसकी बढ़ती और घटती रहती है। तीसरा जो तरीका है डिजिटल गोल्ड खरीदने का, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा तरीका है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड करता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, क्योंकि बाकी जो मेथड्स हैं इसमें गोल्ड के अप्रिशिएशन के अलावा आपको और कोई गोल्ड का फ़ायदा नहीं मिलता वैल्यू टर्म्स में, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड का, इसमें आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 2.5% की ब्याज मिलती है, यानी कि सेविंग अकाउंट में जो 2.5% आपको मिलता है वो गोल्ड के अप्रिशिएशन के अलावा आपको 2.5% की ब्याज हर साल मिलती है गोल्ड बॉन्ड फंड में, जो कि आपको हर 6 महीने में पेड होती है। गोल्ड बॉन्ड फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो इट इज़ मोस्ट गारंटेड गारंटेड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द गोल्ड, जहाँ पे आपको प्योरिटी और इन सब की कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी डर नहीं होता। जब आप गोल्ड बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली ये जो बॉन्ड होते हैं वो 8 साल के होते हैं, तो अगर आपने 10 लाख रुपए गोल्ड बॉन्ड फंड में लगाए और 8 साल बाद गोल्ड की कीमत दुगनी हो जाती है, तो आप जब 20 लाख रुपए में इस गोल्ड को बेचेंगे तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गोल्ड है, जब आपने खरीदा और जब आप बेच रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंस पे आपको कैपिटल गेन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ईयर्स वो आपको देना होता है। तो ये दूसरा इसका फायदा है गोल्ड बॉन्ड का। तीसरा फायदा है कि ये ई फॉर्म में, यानी कि आप अपने डिमैट अकाउंट में इसको रख सकते हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आप इसको हमेशा ट्रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको कोई फिजिकल सिक्योरिटी रखने की भी इसकी जरूरत नहीं होती। चौथा, जैसे गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो पर ग्राम इसकी वैल्यू आकी जाती है, तो आप कभी भी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये निकालने, तो आप उतने ग्राम के गोल्ड बॉन्ड्स को सेल कर सकते हैं और आप लिक्विडेट इसको कर सकते हैं। पांचवा, इसकी वैल्यू आपको डेली आपको देख सकते हैं, अगर आप डिमैट अकाउंट में है तो आपको, क्योंकि ये डेली ट्रेडेड ट्रेडिंग होती है इनकी, तो ये ट्रेडेबल असेट है, तो आप कभी भी इसको लिक्विडेट करते हैं तो बहुत आसानी से ये लिक्विडेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड बॉन्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको ई फॉर्म में गोल्ड को इन्वेस्ट करना है। बाकी कई कंपनीज में जैसे पेटीएम वगैरह, डीजी गोल्ड करके उन्होंने कंसेप्ट लाया है कि आप 10 रुपये, 20 रुपये, कितना भी रुपये का आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ई गोल्ड, और आपको उसी हिसाब से पैसे के हिसाब से वो ग्राम्स आपके गोल्ड लॉकर में, डीजी लॉकर में आ जाते हैं, और वो जो गोल्ड है आप कभी भी उसे सेल कर सकते हो, तो दैट इज़ हाईली लिक्विड, बट इसमें कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलती। तो ये जो सॉवरेन गोल्ड बताया मैंने, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस आदमी का सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ है उसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ वेरी गुड असेट। और इसमें एक और एडिशनल फायदा है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है, कि आप अगर चाहे तो पेपर की फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो डीमैट अकाउंट नहीं होते या नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे तो सर्टिफिकेट चाहिए। सो बैंकर्स मेल पे आपको एक गोल्ड का सर्टिफिकेट भेज देती है विच यू कैन कीप, जो आपको सेल के टाइम पे आपको आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये गोल्ड उसका फायदा है गोल्ड बॉन्ड फंड का। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है और भी तरीके हों जो मुझसे छूट गए हों, लेकिन बट जो मैंने आपको अभी शेयर किया है, दे आर द मोस्ट पॉपुलर वेज टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।